ओके तो अब हम ब्रेक डांस भी बना रहे हैं। तो आज हम काम करो को ब्रेक डांस करेंगे। काम करो एक बहुत ही स्पेशल ट्रैक है यार। मैंने नया नया जब यशराज मुखौटे और मयूर जमानी को सुना तभी मुझे पता था कि ऐसा कुछ बनाना तो ज़रूर है, बट उस टाइम पता नहीं था इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में और कैसे चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो नहीं बनता था। बट श्वेता की वाली वीडियो देखी थी मैंने और तभी इसमें हल्का सा मैंने रिदम फाइंड किया था उसी समय, और मुझे लगा कि इस पर बनाएंगे कुछ पक्का बनाएंगे। 2 दिन के अंदर अंदर इस ट्रैक को बनाया था और तुरंत रिलीज़ कर दिया था। कुछ खास रिस्पॉन्स तो आया नहीं, पर एनीवेज कोई कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वील कीप ऑन मूविंग। हाँ तो ये हमारा काम करो का ट्रैक ब्रेक डाउन है, और मुझे पता है इस गाने का मिक्स बहुत ही शिट है तो हम उसकी बात भी नहीं करने वाले। हम बस बात करने वाले हैं प्रोडक्शनल जो हमने इसमें चीज़ें की हैं इधर, ठीक है? तो जो हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है वो कुछ कंटिन्यूस किक से स्टार्ट होता है। अच्छा यहाँ पे बेसिकली हमने किया कुछ नहीं है, हमने बेसिकली ये जो राइड है हमारा इसको ना, ये एक्चुअली ये सैम्पल है, ठीक है? तो एक प्रो टिप, अगर किसी को राइजर बनाना है कुछ तो राइड को रिवर्स कर दो या किसी भी सिंबल को उठा के रिवर्स कर दो, तो ठीक है वो एक राइजर बन जाता है, वो एनर्जी क्रिएट करता है। बहुत ही सिंपल टेक्निक है। अच्छा यहाँ पे इस पर्टिकुलर पार्ट में हम अगर ध्यान से सुने इस गाने को तो बिल्ड किया जा रहा है, ठीक है? इस गाने को हल्का सा बिल्ड करने की कोशिश हो रही है कि ओके व्हाट एग्जैक्टली दिस सॉन्ग इज। ओके सुन के देखते हैं एक बार। है ना? नाउ मैंने एक सिंथ भी लेयर किया था, एक्चुअल गाना है जो है उसमें एक सिंथ भी लेयर्ड है, और वो सिंथ जो है वो जान है इस पर्टिकुलर पार्ट की। सुन के देखते हैं कैसा साउंड कर रहा है वो। पूरी की पूरी जान डाल रहा है इस पार्ट में। इट साउंड सो सो ग्रिटी एंड मतलब बहुत ही अच्छा साउंड करता है ये। तो मैंने इसको बेस के साथ क्लियर किया और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया इसका। और ये गाना जितना भी मॉडर्न प्रोडक्शन था यहीं तक था। इसके आगे ये पूरा अपना एपिक टिम्पनी और कॉर्ड्स की फील में चला जाएगा। पढ़ाई ना कर रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। लौंडे हो चाहे बहन हो, काम करोगे नहीं कर रहे हो। ओके तो हमने एक चीज़ यहाँ पे मिस तो की है। क्या मिस किया हमने? हमने बेसिकली ट्रांजिशन मिस किया है। एक जो एक ट्रांजिशन था वो मैंने बंद कर दिया क्योंकि मुझे इस ट्रांजिशन का इम्पोर्टेंस समझाना था, ठीक है? अब हम इसको ट्रांजिशन के साथ सुन के देखेंगे। ट्रांजिशन के साथ एक अलग जान आ जाती है। जस्ट अ सिंपल पैच, इसको पैन करा दिया है। ऐसा लगता है कुछ कुछ खींच रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। लौंडे हो चाहे बहना हो, काम करोगे नहीं कर रहे हो। गाने में बेस लाइन, तो क्योंकि मॉडर्न मैंने बेस लाइन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, बेस लाइन जो है वो मॉडर्न चल रही है और कंटिन्यूस किक्स चली रही है। तो अगर सिर्फ बेस लाइन किक्स की बात करें तो कुछ ऐसा चल रहा है। इसमें हमने ऐड कर दी थोड़ी सी एपिक कॉर्ड्स, एक एपिक सिंथ ऐड कर दिया हमने। क्योंकि हांस जिमर ने कंट्रोल ले लिया इस वाले पार्ट का तो मैंने सोचा पूरा उनको ही दे देते हैं, ठीक है? तो टिम्पनीज डाल दी। जिनको नहीं पता टिम्पनीज क्या होती हैं, दिस इज टिम्पनी। एवरीथिंग टुगेदर साउंड समथिंग लाइक दिस। अच्छा इस पर्टिकुलर पार्ट में हल्का सा एक पैड भी ऐड किया था, हल्का सा विड देने के लिए।
सुनने वाला पार्ट है, अगर हम सब कुछ साथ में सुनेंगे तो कुछ ऐसा साउंड कर रहा है। बेसिकली कुछ नहीं किया, एक बिल्डअप क्रिएट किया आगे उसको तोड़ने के लिए। हम सब ने बचपन में सीरियल देखा है अपनी मम्मी के साथ बैठ के, है ना, तो उसमें कोई भी अगर इंटेंस सीन आता था तो कुछ ऐसा यूज़ करते थे उसमें, तो ये आइडिया वहीं से आया था। तो मेरे को पता नहीं लोगों ने कितना ध्यान से सुना था, पर जिन लोगों ने थोड़ा सा ध्यान से सुना होगा या जिन्होंने थोड़ा अच्छे डिवाइस में सुना होगा, उनको एक एक्चुअल गिटार भी सुनाई दे रहा होगा गाने में। तो अभी हम सुनते हैं जैसे ये गाना यहाँ से ट्रांजिशन करता है इस पर्टिकुलर पार्ट में, एक एक्चुअल सिंथेटिक गिटार डाल रखा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक। काम करो, और इसको मुझे कब से ब्रेक डाउन करना था, मेरा काफ़ी मन था बट टाइम नहीं मिल रहा था वगैरह वगैरह, और मैं और भी ब्रेक डाउन बनाना चाहता हूँ। तो फॉलो कर दो, लाइक कर दो, नीचे कमेंट कर दो, बोलने की बात नहीं है सब। अब बेसिकली एल्गोरिथम को ये सब समझ में आता है, तो जितने भी म्यूज़िक से रिलेटेड लोग हैं यार, तुम तो यार प्लीज़ अगला ट्रैक जो तुम चाहते हो, जो कि मेरे इस पेज पर पड़ा है, ठीक है, इवन कार्तिक के भी एक पेज पे हार्ले करके गाना पड़ा है, वो भी मैंने प्रोड्यूस किया है, तो उसका भी ब्रेकडाउन बना सकते हैं। बता दो अगर चाहिए, जो भी अगला ट्रैक ब्रेकडाउन पे चाहिए उसको बता दो। इसके साथ आप मच्योर होना ही 25 साल के बाद से होना स्टार्ट होते हो, नो वंडर आप दुनिया की सबसे बेवकूफ़ वाली चीज़ें कर रहे हो। जायज़ बात है, क्योंकि अगेन आपका दिमाग डेवलप नहीं है।